प्रयागराज के अंदर जो मैंने पहले कहा एक कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेट करें, रेस्टोरेंट होटल में जो कार्मिक हैं इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई ये सुरक्षा की दृष्टि भी से शुरू कर लें। रेलवे के साथ, सिविल एविएशन विभाग के साथ में, एनएचएआई के साथ में, भारत सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं उन सब के साथ भी हमारा एक बेहतर तालमेल रहना चाहिए। 2019 में किए गए प्रयासों का परिणाम था कि यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। आज लोगो जारी हो गया है और मैं चाहूंगा कि सूचना विभाग मेला, प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। याद रखना कि हमारे पास तैयारी 2019 से बड़ी है, बरसात 2019 की तुलना में एक महीने आगे तक चली है, तो इसका मतलब हमारा कार्य एक महीने बैक चल रहा है। इसको हमें अतिरिक्त मैन पावर दे करके इसको हमें व्यवस्थित रूप से आगे और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना है। इसके साथ ही प्रयागराज के अंदर जो मैंने पहले कहा एक कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेट करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, थ्री व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट होटल में जो कार्मिक हैं इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई ये सुरक्षा की दृष्टि भी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा, हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। रेलवे के साथ, सिविल एविएशन विभाग के साथ में, एनएचएआई के साथ में, भारत सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं उन सब के साथ भी हमारा एक बेहतर तालमेल रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे पास अभी समय है, कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। टीम प्रयागराज जो प्रयागराज महाकुंभ के लिए यहां पे अधिकृत की गई है वह यहां के मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद बनाते हुए, अखाड़ों के साथ में, संतों के साथ में, आचार्यवाड़ा, काक चौक या तीर्थ पुरोहित इन सभी के साथ में बेहतर समन्वय बनाते हुए अपने कार्यक्रम को हम लोग समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। और जितने भी बड़े कार्य, कंस्ट्रक्शन के कार्य हो रहे हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि 10 दिसंबर उसकी डेडलाइन हो, 10 से 15 के बीच में हमारा प्रयास होगा कि हम प्रधानमंत्री जी को यहां आमंत्रित करके कुंभ मेले के लिए उनसे सभी परियोजनाओं का उद्घाटन आदि के बारे में
उनके करकमलों से इसको संपन्न करवा करके इसकी शुभारंभ की घोषणा करवा दें। उसकी तैयारी अभी से हमारी होनी चाहिए। लेकिन मैं सभी विभागों से, चाहे वह भारत सरकार इसके विभाग हो या उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए, उन सबसे मेरा आग्रह होगा कि जो उन्होंने डेडलाइन दी है उस पर उन्हें दिन रात लग करके मैन पावर बढ़ा, क्योंकि इधर पर्व और त्योहार पड़ेंगे, पर्व और त्योहार की बहुत, पर्व और त्योहार आप मनाएं अतिरिक्त मानदेय दे करके, लेकिन हमें व्यवस्थित रूप से इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और हर हाल में एक दिव्य और भव्य कुंभ के लिए, क्योंकि पिछली बार 2019 में किए गए प्रयासों का परिणाम था कि यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है।